बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून पर सुझाव मांगे जाने को लेकर कहा कि उन्हें लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला है। नीतीश ने कहा कि लोगों से अनुरोध है कि तालिबानी पॉलिसी कहकर इस कानून की आलोचना करने के बजाय कानून को और मजबूत बनाने के लिए सुझाव दें। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की लंबी आयु के लिए उनके अनुयायियों ने धर्मशाला में पूजा अर्चना की। अलग अलग देशों से आए अनुयायियों सहित करीब 4 से 5 हजार लोगों ने दलाई लामा के लिए पूजा की। घाटी में अब सुरक्षा बलों के हथियार सुरक्षित रहेंगे। अब सुरक्षा बलों की बंदूकों में इसराइल में GPS चिप लगाई जाएगी, जिससे बंदूक होने पर उसे ढूंढने में मदद मिलेगी। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 12 घटनाओं में 35 बंदूकें छीनी जा चुकी हैं। कोची के हिंदुस्तान एक्सटीसाइड लिमिटेड में केमिकल धमाके में 12 लोग घायल और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि टैंक में कार्बन डाइसल्फेट लीक होने के बाद यह हादसा हुआ। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चेन्नई में 2014 में असुरक्षित करार दी गई 11 मंजिला बिल्डिंग 10 सेकंड के अंदर धराशायी कर दी गई। चेन्नई के मौलीवक्कम में बनी इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा 2014 में टूट कर गिरा था। इस हादसे में 61 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि काफी लोग घायल भी हुए थे। उदयपुर के कलड़वास में पुलिस ने छापेमारी कर एक फैक्ट्री से नशे का भारी जखीरा बरामद किया है। सेंट्रल एक्साइज और नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों की मौजूदगी में 23 टन नशे का सामान जब्त किया गया। इस नशे की गोलियों को दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और कंबोडिया सहित अन्य देशों में सप्लाई किया जाता था। छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव से 12 किलोमीटर दूर पत्थर खदान में किए गए विस्फोट से पूरा गांव थर्रा गया। विस्फोट से गांव के 50 से ज्यादा कच्चे और पक्के मकानों में दरार पड़ गई। विस्फोट के बाद लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। घरों को हुए नुकसान से नाराज गांव वालों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल में अचानक एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए। खट्टर ने स्कूल में जाकर छात्राओं से बात की और उनकी परेशानियां पूछी। सीएम को अपने बीच पाकर बच्चे भी काफी खुश दिखे। सीएम ने अध्यापकों से मिड डे मील को लेकर भी सवाल किए। भोपाल में हुए एनकाउंटर के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने मार्च निकाला। ये मार्च AMU कैंटीन से बाबे सैयद गेट तक निकाला गया। छात्रों ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए और उच्च न्यायालय के जज से जांच की मांग की। श्रीनगर में सांस्कृतिक अकादमी दुर्लभ पांडुलिपियों और धार्मिक किताबों को संग्रहित करने के लिए उन्हें डिजिटलाइज करेगी। डिजिटल होने के बाद दुनिया के किसी भी कोने में बैठा शख्स कश्मीर से जुड़ी सभ्यता और संस्कृति देख सकेगा। 2014 में आई बाढ़ की त्रासदी के बाद ऐसे किसी खतरे के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है।